दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एमपी परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यहाँ पर आपको एमपीपीएससी और एमपीपीएबी व्यापम की टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, जिनको आप परचेस कर सकते हैं। हमारा कोड यूज कर सकते हैं GUIDPSC25 एमपीपीएससी के लिए और एमपीपीएबी के लिए GUIDPEB50। दोस्तों, अब आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर फॉलो करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई। दोस्तों, एमपीपीएससी की राज्य पात्रता परीक्षा से रिलेटेड एक न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक से ज़्यादा विषयों से अगर आवेदन किया है तो FIR हो जाएगी। देख लेते हैं हम लोग ये क्या पूरी न्यूज़ है और इस पर हम क्या हम कर सकते हैं अगर एक विषय से ज़्यादा आवेदन कर दिए हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूरी न्यूज़ निकल के आ रही। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो न्यूज़ निकल के आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा से रिलेटेड, कि एक से ज़्यादा विषय में आवेदन करने वालों पर FIR होगी। यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में एक से ज़्यादा मूल विषयों में फॉर्म भरने वाले आवेदकों पर चुनाव के बाद कार्रवाई होगी। उच्च शिक्षा विभाग के अफसरों का कहना है कि फिलहाल चुनाव आचार संहिता के कारण नीतिगत फैसला नहीं हो पा रहा है। चुनाव के बाद ऐसे सभी आवेदकों के खिलाफ FIR कराई जाएगी। विभाग तक ऐसी शिकायतें पहुंची हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में कई आवेदकों ने जानबूझकर अलग अलग मोबाइल और ईमेल के जरिए एक से ज़्यादा विषयों में आवेदन कर दिया है। इनमें कुछ तो ऐसे हैं जो दोनों विषयों में परीक्षा पास कर चुके हैं। विभाग इन शिकायतों को लेकर गंभीर है। अफसरों का कहना है कि यह सीधे तौर पर धोखाधड़ी है, इसलिए ऐसे आवेदक नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। जो उम्मीदवार क्वालिफाइड हो चुके हैं उनके आवेदन भी निरस्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, देखिए यहाँ पर कहा क्या जा रहा है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि दोहरे आवेदनों की शिकायतें विभाग को मिली हैं। इनमें से ज़्यादातर मामले केमिस्ट्री के हैं। कुछ आवेदक ऐसे हैं जिन्होंने ऑर्गेनिक रसायन में फॉर्म भरा है, लेकिन जबकि उनकी डिग्री पर रसायन शास्त्र लिखा है, यानी विषय और डिग्री में समानता नहीं है। इसी तरह कुछ आवेदकों के पास फिजिकल केमिस्ट्री की डिग्री है, लेकिन उन्होंने केमिस्ट्री में भी आवेदन कर रखा है। केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री तीनों मुख्य विषयों में शामिल है। भर्ती नियमों के अनुसार इनमें से किसी एक मेन सब्जेक्ट में आवेदन किया जा सकता है, मगर कई आवेदकों ने केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ जो है आवेदन कर दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कमियों से जुड़ी सूची में भी नाम। तो ये देखिए, यहाँ पर विभाग ने हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के ऐसे आवेदकों की सूची जारी की है जिनके दस्तावेजों में कमियाँ या गलतियाँ पाई गई हैं। इसमें 20 से ज़्यादा विषयों के 450 आवेदक शामिल हैं, इनमें केमिस्ट्री के 86 आवेदकों की सूची में ऐसे नाम हैं जिन्होंने दो विषयों में आवेदन कर रखा है। अफसरों का कहना है कि पहले राउंड में PSC से 2500 आवेदकों की सूची आई थी, कोशिश है कि सभी क्लियर हो जाएँ। फिलहाल ऐसे ऐसे भी आवेदकों को शामिल किए गए हैं जिनके दस्तावेजों में कमी है। गंभीर शिकायतों पर चुनाव के बाद फैसला लिया जाएगा। आवेदकों को यहाँ पर काफ़ी डर सता रहा है। और देख सकते हैं आप, यहाँ पर कहा जा रहा है कि साफ करने के बाद भी दो आवेदन क्यों, तो गंभीर शिकायतों पर चुनाव के बाद फैसला होगा। ये कहा है नीरज मंडोई, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा ने। आप देख सकते हैं उन्होंने कहा है कि जिन आवेदकों के दस्तावेजों में कमियाँ उन सभी को पत्र लिखे हैं। इनमें ऐसे नाम भी शामिल हैं जिनके खिलाफ गंभीर शिकायतें हैं। यह मामला हमारी जानकारी में है, अभी चुनाव आचार संहिता के कारण फैसला नहीं हुआ है। चुनाव बाद इन पर अलग से नीतिगत निर्णय होगा। ऐसे आवेदकों पर FIR होगी, इसलिए अभी ऐसे आवेदकों को बाकी उम्मीदवारों के साथ सूची में शामिल किया है। तो ये यहाँ पर पूरी न्यूज़ निकल के आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा से। और अगर आपने आवेदन किया है और क्या दो विषयों से किया है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।